बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज तो नूर ही नूर आ गया। बिल्कुल आ गया। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह शूट से थकावट तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं लोगों को यही बता रहा था, हमारे बड़े अच्छे एक बंदे एक डोर से एक प्लेयर, उसकी शूट चल रही है बड़ी जबरदस्त। हाँ, सो गुड टू बी हियर। अच्छा, एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। कुछ एपिसोड्स देखी हैं इसकी? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं से क्लिप भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने मुझे शो का फीडबैक दिया। ठीक। जब शुरू में यू कॉल्ड मी वंस, हाँ, तब हमारी शायद 5 या 10। बिल्कुल ऐसे। तो आप तब इस तरह से, ये शो पॉपुलर भी नहीं हुआ था इतना, जाहिर है आपने कहीं से सुना होगा या देखा होगा, बट यू आर वन ऑफ द फर्स्ट वन हो गए। मैंने कहा अच्छा, अगर नूर साहब का फोन आ गया ना यार, के एहसन कमाल हो गया भाई। मैंने कहा पता नहीं क्या कमाल कर दिया है यार। तो मैंने कहा कोई तो कमाल हुआ होगा। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है अगर किसी भी शो में किसी भी एंकर को अपने डोंट्स का पता हो। हाँ। कि मैंने क्या नहीं करना, तो वो बड़ा अच्छी बात होती है। हाँ, ये वैसे प्रीटी रेयर, ये यस आई वाज गोइंग टू से इट्स वेरी रेयर। डूज का तो बहुत से लोगों को पता है, डोंट्स का बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा खान साहब, आप 4 साल भी हैं, मतलब 4 साल रहे आपने, 6 साल की उम्र में काम शुरू किया? जी जी, 6 साल। क्या काम था जो 6 साल की उम्र में किया? मैं रेडियो से शुरू किया था ना। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान। सही। बच्चों के प्रोग्राम, बल्कि खामोशी का काम शुरू किया वहां से, जाके बैठ जाते थे बच्चों में। अच्छा। और फिर आ जाते थे, गाड़ी आज छोड़ जाती। वो 1 साल के बाद फिर एक प्रोग्राम मिलने लगा जिसमें क्वेश्चन होते थे, नानी अम्मा से पूछा जाता था, अच्छा नानी अम्मा फिर क्या हुआ, फिर शहजादा आया, अच्छा अच्छा घोड़े की टांग टूट गई, फिर नानी अम्मा, वो कहती अच्छा आप सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है तुम्हें। अच्छा, तो वो हम सो जाते थे। अच्छा, ये काम उसकी। अच्छा, वो लाइव जाता था? वो लाइव जाता जी था, हर संडे को 5 रुपए मिलते थे। अच्छा, बड़े और 5 रुपए की बड़ी वैल्यू होती होगी। ओहो, उसके बाद 10 रुपए हो गए, और 10 रुपए की वैल्यू ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मैं जाता था 10 रुपए का चेक कैश कराने, और 10 रुपए का चेक ना देने में कोई शर्म थी कि ये कैश कर दे, ना वो जो रिसीव कर रहा होता था जब वो कैश लेकर आता था उसको कोई शर्म, इस कदर कीमती होता था 10 का नोट। वाह, वो रखते थे जब, तो महीने में 2-3 रुपए खर्चा मिलता था बस। अयाशी अयाशी होती। 15 रुपए हो गए थे। अच्छा। 25 रुपए हो गए। अच्छा, फिर थिएटर में करते रहे, बेशुमार थिएटर किया। थिएटर उस वक्त एक सीरियस थिएटर हुआ करता था उस जमाने में जब शुरू किया आपने। हाँ, सीरियस थिएटर होता था, आगा हशर की बाकियात में। वाह वाह, बहुत बड़े बड़े लोग थे। बिल्कुल, क्योंकि पठानों में, आगा हशर के थिएटर में पठान बहुत थे जी। उसमें माइक तो होते नहीं थे, तो उन्होंने अपनी आवाज पहुंचाना। ठीक है। शेर लोहे के जाल में, तौफीक के साल में, ऐसे वफा शुआर से ऐसे सितम फरेब, माना कि वो फरेब मगर तुझसे कम फरेब, वो चाह वो निभा, तेरे दिल से ढल गई पहले तय ख्वाब, अब आंख खुल गई और तालियां बजी। क्या बात है, तालियां बजी। ये तो वो बड़े कीमती लोग। बिल्कुल, वो थिएटर के अलावा कोई बात ही नहीं करते। रेडियो के लोग 24 घंटे रेडियो की ही बात करते। अब उस जमाने में आप देखिए ना, अहमद फराज जो थे वो ड्यूटी ऑफिसर थे रेडियो पाकिस्तान, फिर वो उनका साहिल की रेत एक खेल मैंने किया था, मैं छोटा था। सही। बल्कि उनके हाथों से 5 रुपए भी लिए थे मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बड़े बड़े लोग थे और बड़े, क्या दुनिया कुछ और थी। जी हाँ। फिर आप आदमी तो वही रहता है, जमाना कुछ बदल जाता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर हैव थिंग्स चेंज फॉर बेटर और फॉर वर्स, ये तो आप पे डिपेंड करता है। सही। कि आप जमाने को किस तरह लेते हैं, आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जमाने के साथ चलना चाहते हैं या बच के निकलना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी नेचर क्या है। कुछ चीजें अच्छी लगे उनको अपना लिया जाए, ले लिया जाए, जिन चीजों में कुछ शक हो तो जरा थोड़ा रिफ्रेन किया जाए। मेरा ख्याल है कि सबसे आज बहुत आसान हो गया, अच्छी चीजों को अपनाना बहुत आसान हो गया। ये भी ये देखिए ना, इसमें दुनिया की हर अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया की हर बेहुदा चीज है, तो आप उस तरफ जाते क्यों हैं? बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें कहां से दीन इतना मिल जाता है आपको कि आप कई घंटे लगा सकते हैं रोज। बिल्कुल। तो इसलिए ये मेरी तरह बचपन से नेचर ये थी कि मैं थोड़ा बच बचा के, और नाराज मैं शर्मीला था और ज्यादा गैदरिंग में नहीं बैठ सकता। अच्छा। अब भी नहीं बैठ सकता। और मैं कमाल है, और परफॉर्मेंस इतने
मतलब शर्मीला इंसान, अभी परफॉर्मेंस इतने ढेरों लोगों के सामने, ये बड़ा एक, हाँ बस बस हाँ। ये मजमा चाहिए, कैमरे चाहिए, वो सब बस गए ना, ब्लड में आ गए, जाहिर है बिल्कुल, तो उसके बगैर नहीं रह सकते। कहीं शूटिंग हो तो वो खड़ा रहता हूँ मैं, हाँ देखता रहता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो यही होता है, आप अपने प्रोफेशन में जब खुब जाएं, बिल्कुल ब्रेड एंड बटर आपका ये हो जाए, तो एक एज आती है जहाँ आप काम करने के काबिल नहीं होते, लेकिन जिस जगह काम हो रहा होता उस जगह आप उसे देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं और अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और अपने वक्त को भी याद कर रहे होते हैं और खुश भी रहते हैं, यार ये देखो क्या अच्छा काम हो। जैसे मैं सेट पे जाकर खामोश रहता हूँ, लोग कहते हैं वक्त पे आता है, एक तरफ जाके बैठ जाते हैं, हकीकत में मैं इंजॉय कर रहा होता हूँ। अब ये इन लोगों को मैं देख के कैमरे पे, तुम्हें अब मैं कब से जानता हूँ, नूर हमारी जिंदगी में दाखिल हो गए ऐसे लोग, यानी ये पूरा एक खजाना है। जी हाँ, बहुत इनको बहुत। आप हर वक्त लूट सकते हैं और खजाना, और ये लूटने के लिए तैयार भी हैं, बताते रहते हैं लोगों को। सही है, तुम माशाल्लाह कितना कर रहे हो काम, जी कहाँ कहाँ कर रहे हो, जी हाँ हर जगह तुम मौजूद होते हो, बेहतरीन कर रहे हो, जी तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही जबरदस्त जी, ये तो ऐसी बातें कि सुनता है इंसान। अच्छा आप इस फील्ड में तकरीबन इट्स बीन अ लिटिल मोर देन 20 इयर्स यू आर इन द फील्ड, इट्स बीन 21 इयर्स 21 इयर्स आप मैं मतलब ये मेरा, डिड यू वांट टू ऑलवेज बिकम एन एक्टर और यू वांटेड टू बिकम अ होस्ट, या क्या था जब इस फील्ड में क्या सोच के आए? नहीं, इनमें से कुछ नहीं था। अच्छा, और जो आना है वो एक्सीडेंटली था, I just wanted to give it a try. मतलब मेरा था कि सिर्फ you were समीना अहमद साहिबा के साथ भी आप वर्कशॉप कर रहे हैं, उनके साथ वो वर्कशॉप्स की उस वक्त थिएटर की, ठीक है, उनका लाहौर ड्रामा स्कूल एक होता था, हाँ, जब तक हम गए तो उसमें 3-4 स्टूडेंट्स ही थे और जैन था, उस पहले यावर साहब का भी लोग पढ़ाते थे, नाम जब आए थे तो वही देखे गए थे, तो जैन था, फिर मिर्जा गालिब बंदर रोड पर उसका एक था, तो उसको मैंने असिस्ट किया था उसमें, द परफॉर्मेंस इन लाहौर एंड पिंडी और इस तरह से, तो फिर वर्कशॉप है रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप, रेडियो पे मैंने पहला प्ले किया था और खान साहब उसमें प्रोफेसर थे। अच्छा। इनके धोबी का एक रोल था। अच्छा, अच्छा, जो वो चादरें देने आया था। अच्छा। और उसके मेरे ख्याल 215 रुपए को मिला था, तो 215 तो और, लेकिन मोहम्मद कवि खान के साथ काम करना ये तो एक बड़ी बिल्कुल कमाल। जो योर एक तो सफर है हमारे काम का, वो तो आप हम आपको देख ही रहे हैं कि नजर भी आता है, यू डूइंग डिफरेंट प्लेज, डिफरेंट कैरेक्टर्स, फिल्म भी की बहुत अच्छी मुझे लगी, इनफैक्ट लॉर्ड वेडिंग में बड़ा अच्छा आपका काम था। एक सफ़र होता है आपकी अपनी पर्सनल जर्नी का होता है, इंसान की अपनी जर्नी एक होती है, जो मुझे लगता है कि आपने बहुत जल्दी यहाँ से यहाँ तय किया, यानी बहुत सी चीज़ें जो लोग लेटर ऑन सीखते हैं वो आपने जल्दी सीखा, उसी को खास वजह कोई कंपनी। आई आल्सो फाइंड इट अ लिटिल स्ट्रेंज सर, लोग कहते हैं तो उसी तानू की हो गया, मैं कहा जी तानू की 21 साल हो गए, मतलब 21 साल में बच्चा पैदा हो तो जवान हो जाएगा, होना तो है 28 और होना चाहिए भी। हाँ, सो आई वाज 28 और नाउ आई एम 48। जब ना हो तो फिर अजीब बात है कि फ्रीज हो गया भाई, 48 साल अब उम्र हो गई है, मैं नहीं डाय नहीं करता हूँ, मुझे नहीं, मेरे अब्बा ने भी नहीं किया, मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, मुझे बड़ा शौक था ये सॉल्ट एंड पेपर वाला। अच्छा। लेकिन वो ये नहीं पता सी कि अद्धे उड़ी जाएंगे तेरे बाकी होंगे उस समय जाएंगे, सो वो मुझे अच्छा लगता है तो इतना था। लेकिन अभी खान साहब जब कह रहे थे ना कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने बच बच के जाना है, तो मुझे लगता है कि इसमें इजाफा करना चाहिए कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने बच बच के जाना है कि वज वज के जाना है। मेरा ख्याल इसमें कोई ऐसा वो कोई एफर्ट नहीं है, मेरा ख्याल खुशगुमानी ही होती है देखने वालों की। अब आप देखें ना, खान साहब जैसे लोग वो हैं जो आपको कंधे पे बिठाएंगे और कहेंगे देखो तुम्हारा कदम उससे ऊंचा होगा। अच्छा, तो अब आप क्या कहेंगे इस पे? ये तो वो जैसे बच्चे को छालते नहीं ऊपर, तो वो हंसता है। नहीं, बट यू आर आल्सो मतलब टू बी यू आर आल्सो बीइंग वेरी हंबल, व्हिच इज अनदर एस्पेक्ट दैट सच पीपल रिमेन हंबल, लाइक खान साहब इज हंबल, वन शुड बी हंबल, इट्स गुड टू बी हंबल, बट आल्सो बिकॉज आई आल्सो नो यू सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, तो मैं तो इस फील्ड में, क्योंकि मैं खुद अपने आप को मुझे एक लाइन भी नहीं बोलनी आती थी, मैंने मुझे आज भी याद है कि मैडम संगीता ने कहा एक्शन, तो वो कैमरे की गर्र सुन के मेरी जान निकल गई, गुपलू ऐसे, हाँ, और मैंने कहा ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये कब लाइन खत्म होगी, ऐसी हालत थी। लेकिन उसके बाद आप उर्दू मेरी इंप्रूव हुई कराची आके, यू लर्न एंड आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी दैट योर जर्नी इज अबाउट लर्निंग, ये प्रोसेस है, एक पूरा जिंदगी है, एक मजमुआ, एक जबरदस्त जर्नी है, अगर इनसे पूछे आप, हम सबकी एक जर्नी है। बट हैव यू बीन इन इशफाक साहब कंपनी अलॉट,
यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले लोग कंपनी में रहे क्या बहुत ज्यादा? मैंने बाबा जी को जो सुना वो अब्बा जी सुनते थे तलकीन शाह रेडियो पे। अच्छा अच्छा। तो वो ट्यून करते थे, तो संडे जो होता था उसमें तलकीन शाह लगता था, होनहार लगता था, मिस्टर जेदी के मशवरे या चाबू के कारनामे ये सब लगता था। तो रेडियो मैंने सुना उस वक्त, वो सुनते थे तो मैं भी सुनता था साथ। और आई हैव बीन अ वेरी कीन वॉचर ऑफ टेलीविजन। अच्छा। मतलब ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि शायद एक मोहब्बत सौ अफसाने जब चला होगा तो मैं शायद 5-6 बरस का था, तो मुझे उस वक्त के भी वो याद हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कुरतुलैन, मैं उससे बहुत रिलेट कर सकता हूँ। सो बस वो होते होते बस वो मुझे लगता है जैसे थैंक्स टू खान साहब के पाकिस्तान टेलीविजन हमारी तरबियत का हिस्सा ही रहा। बिल्कुल रहा। और वो रहा। और फिर रेडियो की अगर आप बात करें तो एक ज़माने में ऐसे ना हमारे रूमी साहब नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स वाले, उन्होंने रेडियो सुनकर मुंशी फाजिल का इम्तिहान पास किया था सिर्फ रेडियो सुनकर। ये होते थे स्टैंडर्ड्स। तो वो तो इन लोगों का क्रेडिट है, वो ये लाखों में 3 से शुरू होके तो लाखों में 1 है माशाल्लाह। अच्छा खान साहब, आपका इतना माशाल्लाह आपने काम किया, इतने राइटर्स हैं, ये पूछना तो बहुत ही एक अजीब सी बात होगी जो कि मैं लेकिन हमेशा पूछना चाहता हूँ, कुछ अपनी टॉप फेवरेट चीज़ें होती हैं कि, और आपकी तो एक हर दौर की एक अलग चीज़ है, आपने हर एज ग्रुप का काम किया, हर लेवल पे काम किया, आपने मेन कैरेक्टर्स भी किया, आपने ऐसे कैरेक्टर्स भी किए जो मतलब दे माई नॉट बी सो मेनी सीन्स बट वेरी पिवटल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। कोई अपनी जर्नी में कोई पुराना जो बहुत पुराना वो काम याद आता हो कि मेरा ये काम जो था मुझे पर्सनली बहुत पसंद? देखिए जो जहाँ तक पसंद का ताल्लुक है वो मेरा कहना ये, मतलब मैं अब भी अगर कोई प्ले देखूँ उसमें मैं ना भी हूँ और जो एक्टर काम कर रहा है उसको मैं जानता भी ना हूँ और वो ऐसा काम करे, मैं अगर हंसना होगा तो हंसूँगा और रोना होगा तो रोऊँगा, और मैं बहुत रोता हूँ कभी कभी अपने प्ले देख के भी। अच्छा वो रोना दुख की वजह से नहीं होता, वो इस वजह से होता कि अच्छा नहीं, 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 अच्छा, वो, अच्छा, दुख की वजह से वो इसलिए है कि आप अगर काम कर रहे हैं सही जी, और जितने भी दुनिया में कैरेक्टर्स हैं वो हकीकत में आप उन कैरेक्टर से रोज मिलके आते हैं। सही। रोज और रोज इनमें इजाफा भी होता रहता है। सबसे पहले तो आप एक्टर अपने घर से ही शुरू करें तो सारे उसको कैरेक्टर घर में, बिल्कुल सही, बिल्कुल। बाहर लोगों में मिल जाते हैं, दोस्तों में मिल जाते हैं, अच्छे बुरे, बहुत पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, सब कुछ। तो उस वो आपका एक प्रोसेस होता है कि आप सोचते हैं कि अब कि मैं ऐसा कर लूँ, अब मैं कोई इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ, मैंने फिल्में भी बनाई हैं, सब कुछ किया है, लेकिन मैं लोगों से नया एक्टर जो है उसको भी मैं देख के सोचता हूँ यार क्या लाइन बोली, अच्छा, क्या बात। सही। और हमेशा ऐसा होता है। अच्छा। हर एक्टर की मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं चूंकि कंट्रीब्यूशन बहुत है फील्ड में, बिल्कुल, इसलिए आप कह सकते हैं। दूसरे मैं लकी ये रहा कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, जो पिलर थे, मैं एक ऐसे महल में रह रहा था जिसके सुतून जो थे वो गोल्ड या प्लाटिनम यानी कुछ और ही थे। वाह क्या बात है। जिनके बीच में मैं था, उसमें अशफाक अहमद साहब थे, इंतजार साहब थे, उसमें मतलब मैंने ये यहाँ तक के कराची के मैंने अनवर मकसूद के 3 प्लेस किए, वो मिर्जा एंड सन कॉमेडी था, बहुत अच्छा। और एक जुनू, वो मैंने तो ये सारे ब्लास्ट हो गए। सो यू वर्क विद द टॉप नॉच पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो फिर मतलब मैंने मिर्जा गालिब किया था, मिर्जा गालिब सारे पाकिस्तान इंडो पाक में, मैं समझता हूँ सुभानी भाई यूनुस से ज़्यादा अच्छा कोई बन ही नहीं सकता, नामुमकिन। उसके बाद मुझे मौका मिला, मेरे पास इतना वो नहीं था, एक कमरे में गालिब को बिठा दिया गया था क्योंकि गालिब, तो उसमें हमने कर दिया गालिब, और लिखा हुआ किसका था? अशफाक साहब का था। तो वो इतना मशहूर हो गया, मशबे पूरे 15 दिन अशफाक साहब के पास जाता रहा, वो मुझे जेड जबर ये वो, और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, वाह, मगर एक शेर में अंदाजे रसा रखते थे, उसका ये हाल के कोई ना अदा संज मिला, आप लिखते थे हम और आप उठा रखते। क्या बात है। अब ये गालिब ने कहा था जी हाँ। तो अब वहाँ कवि खान कह रहा है, तो कवि खान को बताने वाला कौन है? सही। वो अशफाक साहब है, मैं काका इस तरह बोलना है तो इस तरह करना है तो ये करना है। तो चीज ये है कि आपको अगर बेहतरीन सामान मिल जाए तो फिर आप रिजल्ट्स भी, कुछ भी हो
एहसन खान कुछ नहीं होगा वहाँ, एहसन खान के पीछे ये चीजें हैं, ये रखा हुआ है, वो बैठे हुए हैं, वो कौन सा क्लोज ले रहे हैं, ऊपर क्या कर रहे हैं, पूरी टीम ये सब जो है इन्होंने एहसन खान को बनाया। बिल्कुल सही। तो मेरे जहन में हमेशा ये रहता है कि मैं तो माइनस हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। क्या बात, मुझे अच्छे लोग ये देखें आप, ये आप इनकी बात पे गौर करें, अनदर एक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम्बलनेस। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, बच्चे कितने हैं नूर आपके? मैं दो बेटे और एक बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशा, वुड दे बी वाचिंग द शो राइट नाउ? मेरा ख्याल देख लेंगे, मैं कहूँगा, मगर अगर शो पे भी अब्बा जी को ही देखना तो पैदा क्यों नहीं देखता, पता तो चला अब्बा जी बात। अब उनको कभी ऐसे दिल करें उनको कुछ कहना है अभी, मैंने टीवी, बिकॉज यू आर नॉट इवन विद देम राइट नाउ, कुछ कहना टीवी पे क्या बोलेंगे उनको, बच्चों को? मैं वो दुआएं उनके लिए बहुत, और जीते रहें, सलामत रहें, और अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो टेल देम यू मिस देम ना यार, बच्चे देख खुश हो रहे होते हैं यार उनके नाम बोले। हां, बिल्कुल ठीक है, मैं मुझे लगता है कि हाँ सही कह रहे हो वैसे। बच्चे मैं अवैस को मैं खान कहता हूँ। अच्छा, रूमी को रूमी कहता हूँ। अच्छा, अमरस बेटी है और माशाल्लाह हमारे दिल में, और हाँ भाई सबको ही मिस करते हैं। बिल्कुल सही है, जबरदस्त है, बाबा की दुआओं से तो हम बाहर चलते हैं। सही बात, खान साहब इतने हीरो, मतलब आप तो बहुत सी हीरोइन के साथ काम किया, मैंने या मैंने आई एम वेरी नाइव या मुझे नहीं पता कोई आपका कभी स्कैंडल यार, मतलब चले मुझे पता बहुत ऐसे नहीं है, मैं आप मुझे ऐसे ना दे, उस दिन गुस्से तो ऐसे हैं, मैंने कहा मुझे गुस्से से देख रहे हैं, मैंने तो आज तक कोई ऐसी हीरोइन है नहीं जिससे मैंने मोहब्बत ना की हो। मैं तो हूँ ऐसा पाकीज़ा मोहब्बत भाई, वो कौन सा होती है, हाँ होती है जैसा, लेकिन इसका क्या, मुझे इसकी समझ भाई, देखो हमारे जमाने में जब पहली हीरोइन थी हमारी कमल नसीर भी है माशाल्लाह, तो उस जमाने में आपको एक डेढ़ दो फुट का फासला होता था, और वो रखना लाजमी, तुझसे मोहब्बत है, मैं रह नहीं सकता, ये उधर बस यही बस सारा चल रहा होता था, और वो आहिस्ता, ये तो अब हो गया ना, बड़ी आसानी से हाथ पकड़ लेते हैं आप, ये गया, ये क्लोज बनाया, अब हो गया, आप लोगों को तो बहुत फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज तो बेचारे खड़े होते हैं। फिल्म में भी तो की आपने खान साहब, फिर मतलब तो फिल्मों में हाथ नहीं पकड़े आपने कभी? नहीं, आपको मैं बताऊं, एक गाना है खान साहब का, और वो अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो खान साहब ही की फिल्म है, और आप हैरान होंगे ऐसे कि उस वक्त में मेडले, अच्छा उस वक्त में मेडले और जेबा बेगम और खान साहब पर वो गाना, यानी पांच छह गाने इकट्ठे, जैसे आपने इंडियन फिल्म में मैंने प्यार किया वगैरह में देखा, तो वो खान साहब को वो गाना सुना रही है और मना रही है, जेबा बेगम मुझे कह रहे थे, खान साहब बताया ना, वो तो बड़ा कमाल है। कौन सा गाना? मोहम्मद अली, हाँ फिल्म चोरी चोरी थी, मोहम्मद अली साहब से जेबा की मैच, हमारा एक ट्रायंगल था, तो वो तो चला, फिल्मों का जब शौक था बहुत बनाने का, तो मैंने कोई 12-13 फिल्में बनाई, और मैं यंगेस्ट प्रोड्यूसर था पाकिस्तान इंडस्ट्री का, फिर मैंने कोई 26-27 साल उसके पैसे भी वापस किए, वो सबको पता है मेरी कहानी का। सही, लेकिन चीज़ ये है कि आप वही है ना, कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, वरना आपकी फील्ड में और हमारी फील्ड में जो आता है और जो शख्स फंस जाए, जी हाँ, ठोकर खा जाए, वो उठता नहीं, नहीं उठता, बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा ही कोई इधर उधर करम होता है, आपको पता ही है सब कुछ, जी हाँ, सब लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं लगा रहा भाई, इसीलिए मैंने कहा मैं कछुआ हूँ, चलते धीरे धीरे। शादी आपकी फैमिली में हुई है? नहीं, फैमिली से बाहर नहीं, अब फैमिली की हो गई, वो पहले बात, मुझे तो यही नहीं पता था मोहब्बत क्या होती है, वो बाद में पता चला। बड़ी अच्छी बात है यार, ये बहुत अच्छी बात है। अभी मेरी बेगम को वो था ये अर्थराइटिस, घुटने वुटने, तो उनके गोडे गोडे चेंज कराए वहाँ, हम घुरकी हॉस्पिटल जो हमारा है लाहौर में, डॉक्टर आमिर अजीज साहब, आमिर अजीज साहब क्या बात है, वो एक बड़ा उन्होंने रिसीव किया, और वो सारा कुछ हो गया। मैं तो ये घुटने जब आप चेंज कराते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा ये तो जिस पर गुजरती है, तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी कोई ये 50-60 साल में पहली दफ़ा मैं बीवी के करीब रहा हूँ 5-6 दिन, मैंने कहा यार ये क्या है, तो बे मैंने कहा ये कौन सी मोहब्बत है यार, मेरी तो कोई ऐसा नहीं हो रहा, मुझे तो रोना आ रहा है, क्या कितनी तकलीफ है आज कि मियाँ भी ऐसे बच्चे हो गए, नाना हो गए, दादा हो गए, तो वो जब उसको पे नहीं तो उसने कहा हाय क्री आई लव यू। अच्छा मैंने कहा ले बेवकूफ
70 साल के बाद अब कह रही है कि कभी आई लव यू। मैंने कहा ये क्या है, अगर तुम 45 साल पहले, इट्स नेवर टू लेट, कभी इट्स नेवर टू लेट। बहरहाल तो ये घर का माहौल, मेरे बच्चे हैं तो जी हाँ जी, आपको अदनान मेहरान दोनों बेटे बाहर हैं, मेरी बेटियां बाहर हैं, तो मेरा एक बहुत ही अच्छी फैमिली है मेरी, माशाल्लाह। उसमें लड़ाइयाँ बहुत होती हैं मुझ में और मेरी बीवी में। अच्छा, यानी मेरे ख्याल इतनी लड़ाई कहीं नहीं होती जितनी जितना मैं लड़ता हूँ। अच्छा। मैं बड़ा घरेलू फाइटर अच्छा हूँ, अच्छे निशाने बाकी बाहर जी जनाब। तो मजा आता है, ठीक है, अच्छी गुजर गई, बहुत अच्छी गुजर गई, बड़ा उसका शुक्र है। सही है। अच्छा जनाब, आपकी भी योर माशाल्लाह फैमिली लाइफ इज वंडरफुल, अल्लाह का शुक्र। तो किस तरह उनके लिए टाइम स्पेशल निकलता है, आना जाना लगा रहता है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा? अब कराची जरा आना होता है तो फिर वो जरा दूरी होती है, लेकिन मुझे याद है, सर ये मैं ऐसी एक बात कह रहा हूँ, लेकिन इट्स अ फैक्ट, आई रिमेम्बर जब जलजला आया था तो मैं एक सीरीज कर रहा था बुनियाद, वो जलजले के एक साल तक वो चलती रही, एवाई के लिए था वो, तो मैं अवैस वॉज आई थिंक 2-3 ईयर्स ओल्ड उस वक्त, माशाल्लाह 17, तो वो सो रहा था और मुझे जाना था ट्रैवल के लिए बाग और उस तरफ, तो मेरा दिल ना चाहे कि मैं उस वक्त जाऊँ, वो लेटा था मेरे साथ, उस वक्त मैंने देखा उसको उठ के बिस्तर पे, तो मुझे लगा कि वैसे ही मैं कह रहा हूँ, मुझे लगा कि ये जो अब्बा है ना इनको सफ़र पे ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही किसी सफ़र पे कह के बेटा वो किसी और सफ़र पे चले गए, इसलिए कि वो तो आपको होगा तो आप मिस करेंगे, आई डोंट नो, वन वे और द अदर जिंदगी एक सफ़र ही होती है, आप चलते हैं ट्रैवल करते हैं, यहाँ से यहाँ चले गए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, फिर यहाँ से वहाँ चले गए, तो मुझे वो लगता था कि वो जो एक मिस करने वाला है ना, वो ऐसे ही लगे कि आपको डिजॉल्व नहीं होता जैसे कि आप ऐसे करके माफ करके ऐसे होते, तो मुझे उस वक्त लगा कि ये तो इसका मतलब मैं जाऊंगा, वो उठेगा, वो कहेगा अच्छा बाबा किधर है, रोएगा, तो मुझे लगा कि कुछ सफर ही हो जिस सफर में ही आप रुखसत हो जाए, तो मैं पता नहीं, व्हाट डू यू से वैसे, तुम्हारा क्या ख्याल? आई डोंट नो, यू आर अगेन टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच यूजुअली पीपल डोंट थिंक, ये बड़ी मुश्किल सी बात है, और आई थिंक ये है कि सोचना तो चाहिए, सफर का भी सोचना ही चाहिए इंसान को साथ साथ कि कहाँ कहाँ जाना है, तो उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। एक आसानी उसमें हो गई है सन, अल्लाह ताला अम्मी जी अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, तो वो मैं जहाँ जाता था ना तो वो कहती थी कि मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया, तो वो मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी ना, आई एम द ओनली सन, मेरी बहने हैं 5, मैं अकेला था, तो मेरी छोटी ताई जी अल्लाह बख्शे वो कहती थी कि नवर तेनू पुत्र तेरा कल्ला था तेनू फिक्र नहीं होती, तो वो कहती थी कि भाभी जी मैं अल्लाह दे सुपुर्द कर देता। अच्छा मैं सुनता था, और जैसे आपने देखा होगा ना कि वो माएँ कहती हैं ओ मैं सदके ओ मेरा बच्चा ओ हो सारा सब ऐसे ही, लेकिन मैं ही सोचता था कि ये क्या है अल्लाह के सुपुर्द, मुझे अब वो समझ में आता है, इसलिए कि अब ये मैं यहाँ बैठा हूँ और वो बच्चे या जो भी आपके प्यारे हैं वो दूर हैं, तो जो आप कह रहे थे ना बंदे हैं एक डोर से, वो जो सीरियल है, आपकी ये तुनक ज्यादा तेज हो जाती है, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं यहाँ फिजिकली वहां नहीं हूँ, वो मेरा सारा ध्यान जो है वो उधर ही होगा, सो दैट इज अल्लाह के सुपुर्द, और जब आपने खुदा के सुपुर्द कर दिया फिर आप तो फिर सौखे हो गए, बिल्कुल सही है जनाब। अच्छा जनाब, बड़ी मजे मजे की गुफ्तगू है, और आपको ये बताता चलूं कि ये ऐसी शख्सियत हमारे साथ बैठी है कि ये तो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वी कैन गो ऑन। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।